60,000 रुपये के लगभग रेंट है भाई, इंडियन 60,000 रुपये। ये भाई पकोड़े से बना रहे हैं। भाई एक बस दिख गई है फाइनली, बच्चे को देखो कैसे लेके जा रहे हैं। भाई ये जुमा रॉक है, इसमें देखो दो आंखें। किडनैप तो तीनों ही होंगे, जब होंगे मेरे को अकेले को थोड़ी करेंगे। वो लेके आ ले जा रहा है भाई। ये जो एरिया स्टार्ट हुआ है ना, ये सबसे खतरनाक एरिया है यहाँ नाइजीरिया का। भाई मैंने कहा नर्वस हो गया, कह रहा हाँ थोड़ा थोड़ा। अबूजा से लगभग 100 किलोमीटर दूर हम पहुँचे हैं। एक गांव आया रास्ते में वहाँ पे, और यहाँ पर कुछ लोकल लाइफ नाइजीरिया की देखने को मिलेगी। हेलो भाई, एक बाज़ार है लोकल इनका सारा। ये POS अवेलेबल है हर जगह। ये एक तरह का लोकल ATM होता है इनका POS। ये एक कार में पता नहीं कितने लोग बैठ जाते हैं, सामान भी कार में। सामान भी भर लेते हैं, बैठ भी जाते हैं, कपड़े बेच रहे हैं अपने स्टाइल के। सनो बकरियां, दे आर सेलिंग दिस गोट्स। यस सलाम अलैकुम, कुर्बानी। सलाम अलैकुम। ये भाई कुर्बानी के लिए बकरे, बकरियां। हाउ मच इज फॉर वन? ओ वाह भी वाह, बकरा मारता भाई। हाउ मच इज फॉर वन? दिस वन 100 USD, 110 है लगभग, 9,000 रुपये। ना गो डे, ना गो डे, ना गो डे भाई, ना गो डे, ना गो डे। अस्सलाम वालेकुम भैया जी, सांसें रुक जाती हैं, क्या खा रहे थे, क्या बना रहे थे। बाजार देख लिया जैसा भी है, इससे ज़्यादा रुकना ठीक है नहीं यहाँ पर। एक्चुअली ये जो हमने किया ये भी ठीक नहीं था। बुशमीट, हाँ बुशमीट, बहुत सही बुशमीट है। या एंड यू हैव बिग मार्केट्स ऑफ बुशमीट राइट? ऑफ इन लेगोस इन नाजा है। यस नो टू मच। You and me stuck on the ocean now, nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up but you just keep on going, don't you? खेती हो रही है भाई, अरे धूप में लगे हुए बेचारे खेती करने। ग्रीनरी बहुत है यहाँ पर नाइजीरिया में, ग्रीन बहुत है नाइजीरिया ना, मिट्टी पूरी लाल है, पूरी उपजाऊ। पेट्रोल पंप देखो कितने सुंदर सुंदर बना रखे हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं है अभी, आई थिंक नया ही बना। It's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back. भाई हम कडूना में एंट्री कर गए हैं, मेन टाउन में। ये कडूना मेन टाउन है। नाइजीरिया के 36 राज्यों में से एक कडूना राज्य नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी भाग में बसा है, जिसको नाइजीरिया में गेटवे ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। आबादी के हिसाब से कडूना राज्य नाइजीरिया का तीसरा बड़ा राज्य है, जहां की आबादी लगभग 12 लाख है। कडूना राज्य में लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है, जहां मुख्यतः कपास और मूंगफली की पैदावार की जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से कडूना राज्य नाइजीरिया के बेहद खतरनाक एरिया में आता है, जहाँ 2021 से अब तक आतंकवादियों द्वारा 5 स्कूलों पर हमला करके छात्रों का अपहरण किया गया और कुछ छात्रों की हत्या भी कर दी गई। कडूना शहर,
काडूना राज्य की राजधानी है, जो कि सन 1967 से पहले पूरे उत्तरी नाइजीरिया की राजधानी हुआ करता था। काडूना नाम हौसा भाषा के काडानी शब्द का बिगड़ा हुआ उच्चारण है, जिसका मतलब होता है क्रोकोडाइल। कहते हैं कुछ समय पहले काडूना नदी में बहुत से क्रोकोडाइल रहा करते थे। काडूना नाइजीरिया का एक मुख्य औद्योगिक केंद्र भी है और लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ काडूना नाइजीरिया की मेन यूनिवर्सिटीज में से एक है। भाई ये प्रिजन है यहाँ की, काडूना नाइजीरिया की जेल है, जेल चल रही है। फिर एक चर्च आ गई, रेड लाइट्स पे ये भाई सामान बेचने वाले आ जाते हैं यहाँ पर। देखे भाग गया मुझे आफ्टर द मिसलेस गो आफ्टर द ट्रैफिक लाइट। आजा आजा भाई आराम से आजा, तेरा जरूर देंगे। सन्नू अपने गुड्डू भाई भी काडूना से ही हैं, तो खुश हो रहे हैं। अच्छा लगता ही है यार। ब्रो योर सिटी, माय सिटी इज ब्यूटीफुल। एक बहुत ओल्ड होटल है, काडूना एरिया में हम पहुंच गए हैं और काफ़ी डेवलप्ड एरिया लग रहा है ये भी। मुझे रोहित भाई बता रहे थे कि पहले वो जब आते थे यहाँ पर इस एरिया में तो ये इतना डेवलप्ड नहीं था, अब ये काफ़ी डेवलप्ड कर दिया है। रोड वगैरह सब काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर दिए हैं, और ये सामने इनका स्टेडियम है काडूना का, ये इसमें स्विमिंग पूल वगैरह भी दिख रहा था, काफ़ी बड़ा स्टेडियम बनाया हुआ है। और ये मेन रोड है जो दिख रहा है, लेकिन यार लोग बहुत इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ। रोहित भाई को कोई सामान लेना था तो यहाँ पर ये गमले वगैरह बिक रहे हैं, रोहित भाई रुके हैं गमला लेने और ये लोग इकट्ठे हो गए। यहाँ पे बच्चे को ऐसे पीछे बांध लेते हैं लोग। भाई ये इनकी बाइक खड़ी है और एक ये हथौड़ा सा है। ब्रदर व्हाई दिस, और नंबर प्लेट देख लो, नंबर प्लेट का क्या जुगाड़ कर रखा है, नंबर ही नहीं दिखेगा और पक्का करके लगा रखा है ये। किस किस को दे भाई, मुझे एक तो दे दिया था भाई, दुख तो बहुत होता है, मन भी करता देने का भाई, कितना भी लेकिन ओ ब्रो यू वांट मी टू गो बैक टू दैट। कितना दे लेंगे मतलब, इकट्ठे होते जाएंगे, इकट्ठे होते जा रहे थे। 3 दिन बाद भाई एक बैंक दिखाया मुझे यहाँ। भाई कुछ एटीएम और बैंक दिखने लगे हैं यहाँ पे अब। काडूना सिटी में हम रुके हैं अभी चिकन रिपब्लिक पे खाना खाने के लिए, और फिर देखो लोग बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, बच्चे से सेल्समैन वगैरह सब। ये है भाई चिकन रिपब्लिक, ये है चिकन रिपब्लिक।
ass, bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed out, I hit me the chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show and she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can. Bhai, ye food aa gaya hamara. Rice, fried chicken. They hit me for favors. Been him since the cable was cut in the crater. What's up? Only right that I do it. Colossal until I'm a boss. So they want me to fail. Look, we prevail. Tell them to point out who said it. They run it, bitch. I'm on your tail. खाना हमने खा लिया चिकन रिपब्लिक पे और खाने में जो हमने खाया है वो एक फ्राई चिकन थोड़े से राइस और एक कोक और थोड़ी सी कोल्सला. यहाँ पर जो है वो फूड टूर वगैरह नहीं दिया जा सकता और ना ही मतलब खाने को दिखाया जा सकता है. मैं जो खाना खा रहा हूँ वो मैंने रोहित भाई के घर में ही सुबह ब्रेकफास्ट किया और शाम को भी कल मैंने रोहित भाई के घर में ही खाना खाया था क्योंकि हाइजीन का थोड़ा सा यहाँ ख्याल रखना पड़ेगा. ऑलरेडी मैं बहुत सारे जो वैक्सीन है वो लगवा के आया हूँ. हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, दो दो डोज ली मैंने. टाइफाइड और एमएमआर, ये तीन चार मैंने इंजेक्शन जो हैं वो लगवाए हैं पहले. फिर मैं कॉलेरा का वैक्सीन भी लेके आया हूँ. बहुत सारी मेरे को प्रिकॉशंस लेनी पड़ी हैं यहाँ आने से पहले. तो फिर जगह जगह स्ट्रीट फूड वगैरह खाया नहीं जा सकता. और ये जो मैंने वैक्सीन ली उसमें मेरी हेल्प की मेरे छोटे भाई डॉक्टर अभिनव गर्ग ने. एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं. उनकी वजह से भी थोड़ी मेरी हिम्मत हुई क्योंकि यहाँ आने से पहले बीमारियों का थोड़ा बहुत मतलब डरावा था कि लोग भी कह रहे थे भाई यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं. और वाकई अफ्रीका में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं. तो मैं काफ़ी प्रिकॉशन लेके आया. आप भी जब आ रहे हैं कभी भी अफ्रीका साइड तो आप सारे वैक्सीन मेक श्योर करके आएँ कि आप लगवा के आएँ, नहीं तो दिक्कत हो सकती है. और येलो फीवर वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है. हालांकि मेरे से इमिग्रेशन पे नहीं पूछा लेकिन कहते हैं कि इमिग्रेशन पे येलो फीवर को भी ज़रूर पूछते हैं. और वीज़ा के टाइम तो इनफेक्ट मांगा ही था येलो फीवर वैक्सीनेशन. काफ़ी जो कंट्रीज़ के मैं वीज़ा लेके आया उनमें हर जगह मांगा गया येलो फीवर का वैक्सीनेशन. तो मेक श्योर करें आप ये वैक्सीनेशन लगवा लें. और अगर डॉक्टर अभिनव से किसी को भी कोई सलाह लेनी है और वैक्सीन वगैरह लगवाने हैं तो मैं उनका नंबर, उनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. भाई बच्चे वगैरह बहुत सारे हैं, एक आ जाते हैं सब. ना गुड़ा बेचारे यार, छोटे बच्चे हैं, देखो कितना थोड़ा थोड़ा खा के गुजारा कर रहे हैं. शिट, नानक दुखिया सब संसार. शिट भाई, वो देना थोड़ा सा, वो था ना मिनी, वो था ना हमारा डब्बा, देना यार. ये तो बेचारे भूखे हैं बच्चे. भाई हमारे पास थोड़ा सा ये फूड है मिनी में, ये दे देते. सुल्तान बेलो मॉस्क, ये काफी बड़ी मॉस्क है, कडूना की शायद सबसे बड़ी मॉस्क है. हम रुके हुए हैं अभी एक जगह पे, जाम है, जारिया करके ये जगह है, जारिया. भाई गरीबी का आलम बहुत ज्यादा है यार, देख के बहुत मतलब दुख होता है यार, बहुत गरीबी है. कडूना स्टेट इंटरनल
सारिया में एंट्री कर चुके हैं अभी हम और हालात पूरे खराब हैं। ये अरेवा गेट है,